देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई तरह के कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं और खास बात यह है कि ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रशिक्षण की अहमियत बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इससे युवाओं की जिंदगी में क्या फर्क आया। राष्ट्रव्यापी स्तर पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में उद्योगों और युवाओं दोनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से नई पहल करते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT की शुरुआत की गई है। इस पहल की शुरुआत करते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1,00,000 प्रशिक्षुओं को लगभग 15 करोड़ रुपए वितरित किए थे। 2 महीने से मैं यही ट्रेनिंग के अंडर वर्क कर रहा हूँ और सर मेरा मतलब पैकेज 14,000 है अभी वहाँ पे, और मेरा इतना है कि सर जेम खर्च चल जाता है, घर वालों की मदद नहीं लेनी पड़ती, और सर पर्सनल कैरियर मतलब आगे फ्यूचर ब्राइट है इसमें, इसमें हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं आगे और हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो आगे फ्यूचर में हमें अच्छी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम चलाई है इसके लिए सर मैं सारे युवाओं की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, और इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। नेप्स में DBT का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रेंटिसशिप के जरिए ट्रेनिंग और साथ में कमाई को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब ये अप्रेंटिसशिप की बात तो हमारी सामने आई है, मैंने आग्रह रखा था क्या ये DBT हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं अतुल जी को, उनकी पूरा टीम को बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने आज खुद तो किया ही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भारत सरकार की पैसा है, बैंक तो भारत सरकार की है, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करके उनको पहुंचा देना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो इसीलिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इंडस्ट्री को भी मनवा लिया, आज उसकी 1,00,000 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को एक स्विच दबा के हमने DBT करवाया। ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा, इसीलिए मैं अतुल जी और उनकी टीम को और पूरा इंडस्ट्री को बधाई देता हूं। इससे देश में अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी, ये इंडस्ट्री और कैंडिडेट्स दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। नेप्स में DBT की शुरुआत पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पढ़ाई करते करते अगर स्टाइपेंड बेस्ड हैंड्स ऑन कुछ स्किलिंग उनकी आ जाएगी तब उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगी, इसीलिए ये अप्रेंटिसशिप व्यवस्था की कल्पना किया गया है। मैं आप सभी को आज के अवसर पर बधाई देता हूँ। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास से अप्रेंटिसशिप में युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2.6 लाख प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और इससे इतर नए युवाओं का प्रशिक्षण अब भी जारी है। जो मेरी अप्रेंटिस 1 साल की है, इससे मुझे लग रहा है कि मुझे इसके बाद बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। सर मैं थैंक यू करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, इन्होंने ये स्कीम लागू की है सर, थैंक यू सो मच। महिला प्रशिक्षुओं की संख्या भी 2018-19 में 22,427 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,48,000 हो गई है, जो पिछले 5 वर्षों में लगभग 7 गुना अधिक है। अप्रेंटिसशिप जैसे आपको पता है एक ये बहुत ही कारगर माध्यम है स्किलिंग के बारे में, क्योंकि ये स्किलिंग एंड अर्निंग दोनों को साथ मिला के काम करता है, और हमारे पास जो भी तथ्य हैं उससे हमें ये लगता है कि इसे लड़कियों बच्चों का जो अप्रेंटिसेस होते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ती हैं, और जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट और जो कंपनियां हैं उनको भी एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलता है जिसकी रिटेंशन रेट भी ज़्यादा रहती है, और इस वजह से ये विन विन सिचुएशन भी बन पाता है। 5वीं से 8वीं पास करने वालों से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट धारकों तक ने अपने स्किल को बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप के विकल्प को चुना है। अप्रेंटिसशिप में आदरणीय मंत्री जी के निर्देश में हमने काफ़ी सुधार लाने की व्यवस्था की है और भी हम करेंगे। हमारे पोर्टल बनाना, नैट्स के साथ हमें उसको समन्वित करना,
और हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने भी अप्रेंटिसशिप के बारे में गंभीर चर्चा हुई, जिसमें काफ़ी निर्णय लिए गए जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। MSDE ने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षुता कार्य बढ़ाना विषय पर चिंतन शिविर का भी आयोजन किया था। इस सत्र का मुख्य पहलू अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारों, उद्योग निकायों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को बढ़ाना था। 3 सेशन में आयोजित चिंतन शिविर में अप्रेंटिसशिप को और प्रभावी बनाने के विषय पर मंथन किया गया। हुनर, अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।